कोरोना संकट के बीच अब ब्लैक फंगस की नई समस्या के रूप में सामने आई है और देश के कई राज्यों में ये मामला गंभीर होता जा रहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि ब्लैक फंगस की वजह से राज्य में अब तक करीब 90 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से बुरी तरह से त्रस्त रहे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज बुधवार को कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में लोग म्यूक्रोमाइकोसिस से संक्रमित हो रहे हैं और अब तक करीब 90 लोगों की इस वजह से मौत हो चुकी है। राज्य में करीब 1500 लोग इससे संक्रमित हैं। हमने केंद्र से एम्फोबी इंजेक्शन जल्द मुहैया कराने की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में ब्लैक फंगस के करीब 1500 मामले थे। अकेले सिर्फ पुणे में ही म्यूकोमाइकोसिस के 270 मामले सामने आए हैं, जबकि पड़ोसी राज्य गुजरात में स्थिति और खराब है। सिर्फ सूरत में 8 लोगों ने ब्लैक फंगस की वजह से अपनी दृष्टि खो दी है, जबकि पूरे गुजरात में कुल 40 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई है। इस बीच राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए अपने यहां इसे महामारी घोषित कर दिया है। अब यहां कोरोना के जैसे रोज आने वाले केसों और मौतों को काउंट किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।